गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। तकरीबन 50% किसानों की संख्या में कमी आई है। बॉर्डर पर क्या है ताजा हालात, देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। ये बॉर्डर जो है कह सकते हैं कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका केंद्र बिंदु बन चुका है। यानी कि जिस तरह से 28 जनवरी को यहाँ पर देखने को मिला था कि राकेश टिकैत की तरफ से जो भावनात्मक अपील की गई थी, उसके बाद से जो है केंद्र जो है, पहले सिंगू बॉर्डर माना जाता था, लेकिन अगर बात करें अब तो गाजीपुर बॉर्डर जो है वो बन चुका है। और इस दौरान इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो मंच है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो जुटे रहते थे। और अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो अभी तक जो जो मंच है वो चालू हो जाता था, लेकिन इस वक्त तक आप देखेंगे कि कुछ ही जो हैं किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और लगातार जो संख्या है उसमें भी काफ़ी जो है कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें किसानों का ये भी कहना है कि जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा। इसको लेकर जो है रोटेशन बनाई गई है कि परिवार का जो सदस्य है वो आता रहे और दूसरा जाता रहे। तो इसको लेकर जो है एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो भी किसान इसके पीछे अपनी बता रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।